हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। बिटकॉइन काफी ज्यादा बाउंस कर चुका है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स स्टिल वहीं पर पड़े हुए हैं। बल्कि ऑल्ट कॉइन्स बीटीसी के पंप होने के बावजूद भी जो है वो तेजी से गिर रहे हैं, और अब तक 8 से 10% जो है ये गिर चुके हैं। क्या मजीद इनके अंदर क्रैश जो है वो आ सकता है? क्योंकि सेम ऐसी चीज जब आज से 4 साल पहले हमने एक्सपेक्ट की थी, मार्केट ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं बल्कि देखी थी, तो ऑल्ट कॉइन्स की हालत बहुत बुरी हुई थी और अभी भी मैं वही चीज देख रहा हूँ। और अगर एक चीज हो गई तो वो बहुत बुरा और वर्स्ट सिनेरियो होगा फॉर दी ओवरऑल ऑल्ट कॉइन्स। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आज की वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं 300 लाइक्स के, और उम्मीद है आप लोग करवा दोगे। सब्सक्राइबर्स भी बढ़वाओ, थोड़े से जल्दी से सब्सक्राइब करो। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो आप सबके लिए कि डिस्कॉर्ड पर हमारी एक कैंपेन चल रही है, जहां पर एक तो इंपॉर्टेंट दो इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है, जहां पर आपने पार्टिसिपेट करना है और आप रिवॉर्ड जीत सकते हैं क्रिप्टो में। लाइक आपको 2 प्रीमियम मेंबरशिप्स मिल सकती हैं और 2 लोगों को या 1 बंदे को जो है वो USDT में रिवॉर्ड मिल सकता है। इसके अंदर आपको करना क्या है, हर पोस्ट पर आपने डेली बेसिस के ऊपर रिएक्ट करना है, जनरल चैट में आपने मैसेजेस करने हैं, आपको कोई क्यूरी हो मुझसे पूछ सकते हैं, लोगों को अपने सवाल आप टैग कर सकते हैं, मॉडरेटर हमारे आंसर आपको कर देंगे। और चार्ट प्रैक्टिस में आपको अपना चार्ट जो है वो एटलीस्ट डेली बेसिस के ऊपर जो है वो पोस्ट करना है। जैसे कि लोग यहाँ पर जो है वो भेज रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको कोई हेल्प चाहिए किसी चार्ट के अंदर, तो यहाँ पर आप लोगों से कहेंगे तो वो एक्सपर्ट्स जो है आके आपको यहाँ पे गाइड कर देंगे कि आपका चार्ट ठीक है नहीं है, सारे सवाल आप लोग जो है वो यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो इसको मस्ट ज्वाइन कर लो, काफी ज्यादा लोग एक दूसरे से बातें भी कर रहे हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर रहे हैं, तो जल्दी से जाओ और ज्वाइन कर लो इसको। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा, नॉट नाउ। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज आप समझें कि बीटीसी के बाउंस होने से हमारे पास डोमिनेंस क्यों बाउंस होती है। देखो, हम कहते हैं कोई चीज डोमिनेट कर रही है, लाइक अगर हम पाकिस्तान इंडिया का मैच देखें तो हम कहते हैं कि यार अभी इंडिया की टीम डोमिनेट कर रही है, मींस इंडिया की टीम पूरे तरीके से यहाँ पे विकेट्स भी ले रही है, बैटिंग में भी अच्छा कर रही है, तो हम कहते हैं डोमिनेट कर रही है। कभी पाकिस्तान अच्छा खेलती है तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम डोमिनेट कर रही है। तो डोमिनेट करना मतलब किसी के ऊपर आना, ठीक है, उसको पकड़ लेना। तो अभी हम देख रहे हैं कि डोमिनेंस, आप इसका चार्ट BTC.D करके टाइप कर सकते हैं, हम देख रहे हैं कि BTC की जो डोमिनेंस है वो राइज कर रही है, मींस के BTC की ही डोमिनेंस है सारे ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर, मींस BTC अभी हावी है सारे ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर। आप देखोगे ना तो हमारे पास जितने भी जो हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी फर्म्स हैं, लाइक ब्लैक रॉक कहां पर पैसा डाल रही है, हमारे पास BTC में, ठीक है। बड़ी बड़ी हमारे पास जो एसेट मैनेजमेंट फर्म्स है, जैसे कि वल्करी हो गया, S21 शेयर्स हो गया, एक ही बात हो गई इनकी तो खैर, और बाकी वल्करी वगैरह जितने भी हो गए, ये सारे के सारे अपना जो पैसा है वो BTC के अंदर जो है और इथेरियम के अंदर जो है वो डाल रहे हैं, ज्यादातर BTC के अंदर ही आ रहा है। माइकल सेलर, जापान, चाइना, सारा अपना पैसा किधर जा रहा है, BTC की तरफ। और आपके पास जो डोनाल्ड ट्रंप है वो किसको लेकर बुलिश है, BTC को। तो अभी क्या है, इलेक्शन होने वाले हैं, हर चीज की हाइप में सिर्फ BTC की डोमिनेशन है। आपने सुना कोई यहाँ पर बात करे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, कोई यहाँ पर फर्म बात करी ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, नहीं। जब BTC की हर जगह चर्चा होगा, हर जगह BTC की बात होगी, तो सिर्फ BTC बाउंस करेगा। और ये चीज हमें BTC की डोमिनेंस दिखा रही है कि भाई BTC की डोमिनेंस बाउंस हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर एक चार्ट मैंने आपको दिखाया है BTC की प्राइस और डोमिनेंस किस तरीके से ऑल्ट्स को इफेक्ट करते हैं। लाइक BTC की डोमिनेंस अगर ऊपर जा रही है एंड BTC प्राइस ऊपर जा रही है, जो कि अभी हो रहा है, तो यहां पर ऑल्ट्स की जो प्राइसेस हैं या तो वो न्यूट्रल रहेंगी या तो वो नीचे जाती हैं। दूसरा सिनेरियो ये है कि BTC की डोमिनेंस बाउंस कर रही है और BTC की प्राइस नीचे जा रही है, तो ऑल्ट्स तेजी से नीचे गिरते हैं। ऑल्ट्स के लिए जो सबसे अच्छा सिनेरियो है वो ये है हमारे पास कि यहां पर BTC की डोमिनेंस गिरे। देखो, ऑल्ट्स के लिए सबसे अच्छा सिनेरियो यही है कि BTC की डोमिनेंस डाउन जाए। बाज अवकात ऐसा होता है कि BTC तेजी से गिरता है और डोमिनेंस साथ गिरती है, तो ऑल्ट कॉइन्स नहीं गिरते, ठीक है। तो डोमिनेंस इस तरीके से वर्क करती है। अब इसने क्या सीन किया हमारे पास, अगर मैं आपको सिर्फ BTC की, मैं आपको कहा था कि BTC के अपडेट्स किसी को देखनी है तो मेरी कल वाली वीडियो देख लो, सेम अपडेट्स हैं, ठीक है। बार बार एक ही चीज मैं नहीं दोहराऊंगा। अब ये हमारे पास जब जब रिजेक्ट हुई है तब तब ऑल्ट सीजन आया है, ठीक है। लाइक अगर हमारे पास ये 2020 में रिजेक्ट हुई थी तो ऑल्ट सीजन में उस वक्त मार्केट कैप कम होता था कॉइन्स का, तो ऑल्ट कॉइन्स अच्छा गए थे उस वक्त। बाइनेंस के ऊपर कम से कम भी जो हाई कैप रहता था ना वो BTC रहता था, जिसका मार्केट कैप उस टाइम 400 या 500 बिलियन डॉलर्स होता था। बाकी कॉइन्स का वॉल्यूम किसी का 20 मिलियन, किसी का 10 मिलियन, किसी का 30 मिलियन, 100 मिलियन के अंडर होता था। तो वो सारे के सारे कॉइन्स जिनका मार्केट कैप 100 मिलियन के अंडर रहता था, वो 10x से 15x पंप कर गए, लाइक उनके मार्केट कैप 1 बिलियन तक चले गए। और अभी भी मैं आपको कुछ ऐसे कॉइन्स बताने वाला हूँ जिनके मार्केट कैप्स यहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे डोमिनेंस क्रैश हुई BTC में, ऑल्ट कॉइन्स तेजी से पंप हुए। अब हमने देखा कि BTC ने लास्ट टाइम क्या किया था, सेम एक इसका रीजन होता था ना, लाइक दिस, ठीक है, ये 59 वाला रीजन था प्रॉपर, लास्ट टाइम की मैं बात बता रहा हूं आपको।
एक तो हमने इसके अबव क्लोज किया, और जब रिट्रेस हमने किया था ना यहाँ से इस जोन में, हमने जब रिट्रेस किया था, लेट मी शो यू, ये देखो ये यहाँ से जब हमने सपोर्ट कंफर्म करके डोमिनेंस बाउंस हुई थी, ठीक है, उस वक्त BTC ऊपर ही था, BTC 47-45 वाले रीजन की तरफ आ रहा था, लेकिन ऑल्ट कॉइंस बहुत गंदा क्रैश हुए थे डोमिनेंस के बाउंस होने की वजह से, BTC दोनों के बाउंस होने की वजह से। एक सेस की एग्जाम्पल मैं आपको बार बार क्यों देता हूँ, क्योंकि एक सेस लास्ट बुल मार्केट का सबसे बेस्ट परफॉर्मर रहा है, और ये वाहिद ऐसा कॉइन है जिसने बाइनेंस के ऊपर, मतलब एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर जो है वो यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट जो है 170,000% का जो है वो गेन दिया। और यहाँ पर इसमें बीच में एक बहुत बड़ा डंप आया था, जो कि आप देख रहे हैं इससे पहले यहाँ पर इस रीजन में, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, वो डंप आया था 60% का ड्यू टू द हाई BTC डोमिनेंस, ठीक है, जब BTC डोमिनेंस तेजी से गिर रही थी, क्योंकि 3 महीने तक तो वो लगातार ऊपर, सॉरी बढ़ती रही है, जब डोमिनेंस बढ़ रही थी BTC का प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ था, लेकिन फिर भी एक कॉइन $2.3 से रातों रात क्रैश करके $1 के ऊपर आ जाता है, 60% गिर जाता है, एक कॉइन रातों रात $10 से क्रैश करके $1 पर आ जाता है, लेकिन जो अक्लमंद लोग थे जिनको पता था कि ये चीज अच्छा परफॉर्म कर सकती है, उन्होंने $1 पे भी एक्यूमुलेट किया, और फिर उन्होंने एटलीस्ट भी 8,500% प्रॉफिट के अंदर सेल किया। तो यहां पर अगर हम अभी डोमिनेंस को कंपेयर करेंगे तो डोमिनेंस का सिनेरियो सेम ही चल रहा है, लाइक एग्जैक्टली हमने इस सपोर्ट को जो था वो तोड़ा था, तो हमारे पास ऑल्ट सीजन आया था, अब हम इसी सपोर्ट को जो है वो एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर ले रहे हैं, अब हम डुअल डाइवल सिचुएशन के ऊपर जो है वो आ चुके हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर हम लोग बिल्कुल डीप एनालिसिस करेंगे, लाइक इस जोन से अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो यहां पर हमने ब्रेकआउट कर दिया, और जैसे ही हमने ब्रेकआउट किया है सारा मोमेंटम जो है वो शिफ्ट हुआ है BTC की तरफ। अब अगर हम लोग प्रॉपर रेंज की बात करें तो रेंज अभी भी आपके पास जो है वो वैलिड है थोड़ी बहुत, जब तक हम इसके अबव क्लोज नहीं कर देते, राइट। तो हम अभी जो रेजिस्टेंस थी हमारी उसके अबव अगर हम क्लोज करते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम आपने अपनी रेजिस्टेंस के अबव क्लोज किया, रिट्रेसमेंट पे हमने बाउंस दिया तो $1 से एक पर आया, फिर दोबारा बाउंस दिया तो $1 से 10 एक पर आया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहे हैं, और अल्लाह ना करे इसके अबव अगर हमने क्लोज कर दिया और ये सपोर्ट सस्टेन हो गई, एक तो होता है ना कि फेक आउट होकर नीचे आ गई, अगर ये सपोर्ट सस्टेन हो गई सो फिर आपके पास ऑल्ट्स के लिए बहुत ही वर्स्ट सिनेरियो हो सकता है, फिर BTC भले $80,000 के ऊपर चले जाए लेकिन ऑल्ट कॉइंस वहीं पर ही सड़ रहे होंगे। आप मुझे खुद एक चीज बताओ दिल पर हाथ रखकर यार, इथेरियम 2400 पर होता है और BTC $59,000 के ऊपर होता है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि BTC $59,000 से पंप कर जो है वो आपके पास ऑलमोस्ट $10,000 की रैली देते, लेकिन ईथ 2400 से सिर्फ और सिर्फ 2600 की तरफ जाए, और वो भी जब थोड़ा सा डंप आए मार्केट के अंदर तो यही ईथ अपनी औकात दिखा के वापस 2540 के ऊपर भी आ जाए, मतलब $100 का बाउंस। यार अगर हम बेयर मार्केट में भी BTC के अंदर इतनी बड़ी या $5,000 की भी मूव देखते थे ना तो इथेरियम कम से कम $400-$500 हिल जाता था। इस मूव पे एटलीस्ट ईथ को जो है ना वो यहां पर मेरे ख्याल से जो मूव BTC के अंदर है ना यहां पे कम से कम $700-$800 हिलना चाहिए, बट वो नहीं हिला, रीजन डोमिनेंस। तो अब यहां पर आपको क्या करना है, देखो डोमिनेंस ब्रेकआउट कर रही है लेकिन मैंने आपसे जैसा क्या बताया एक से इसको जो अच्छे कॉइंस उनको आपने एक्यूमुलेट करना है, तो अब नैरेटिव वाली चीजों के ऊपर जाओ। अब नैरेटिव किन किन चीजों का है, सबसे पहले बात करें जो सबसे टॉप पर नैरेटिव रखता हूं, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि ब्लैक रॉक भी स्वम इन्वेस्ट करो और आने वाले टाइम में GPT-5 आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ज्यादा जो है वो डिमांड है, ठीक है। तो यहां पर AI के कॉइंस के अंदर आपने इन्वेस्ट करना है। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास सबसे बेस्ट नैरेटिव होगा, आप इसको फिर दूसरे तीसरे पर रख सकते हो, दैट इज डेपिन एंड RWA बेस्ड, ठीक है, डेपिन और RWA बेस्ड प्रोजेक्ट्स, रियल वर्ल्ड एसेट्स, और ये इतना नहीं घेर रहे मैं अगर आपको बताऊं तो। और तीसरा फिर आपके पास जो आ जाता है वो आ जाता है गेमिंग, और लास्ट में मैं रखूंगा सोलाना इकोसिस्टम। व्हाई, मैं आपको बताता हूं सोलाना क्यों, ठीक है। देखो ईथ को जो है ना वो शायद रिप्लेस कर देगा सोलाना, रीजन बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट इज कि आपके पास सोलाना का ETF अप्रूव होने के सॉलिड चांसेस, और अगर सोलाना का ETF अप्रूव हो गया तो यहाँ पर जो नेटवर्क फीस है वो इथेरियम से कम है और ट्रांजेक्शन स्पीड जो है वो इथेरियम से ज्यादा है, जो कि एक फर्म को चाहिए होती है या एक कंपनी को चाहिए होती है, तो सोल में वो सब कुछ है, दैट इज द रीजन सोल की प्राइस बाउंस हुई, फिर इसकी चेन पर नई नई एक्टिविटीज होती रहती हैं। अब AI के अंदर जो सबसे बेस्ट, मैंने आपसे कहा था 100 मिलियन के अंडर जो मार्केट कैप वाले कॉइन है, अब देखो आपको वो अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी जो $1 पर हमने DCA किया था। मार्केट अपडेट्स के अंदर आपको याद होगा हमने $1 पर DCA किया था ईद को, लेट मी शो यू समथिंग, लाइक 5 अगस्त को जब मार्केट क्रैश कर रही थी उस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको बैठकर कहा था कि PHB को $1 पर उठाओ, इथेरियम को 2175 के ऊपर उठाओ, मार्केट क्रैश कर रही थी, सुबह के 6 बज रहे थे, बहुत बड़ा डंप आया था, कोई एक्टिव नहीं था उस टाइम, हम आपसे कह रहे थे कि भाई इनको उठाओ, और PHB शायद अब आपके पास 2.2 की विक मार्कर आया जो कि 130% पम्प्ड है ऑलरेडी, बट मैंने आपसे कहा अब देखो ना BTC बाउंस कर रहा है, इतना बेस्ट कॉइन PHB जो कि डंप्स में होल्ड करता है वो भी वो तक
ज्यादा गिर रहा है और BTC बाउंस कर रहा है। सो हमें इसकी लोकल सपोर्ट्स फाइंड करनी है, ठीक है। द फर्स्ट सपोर्ट ऑफ द PHB इज, वैसे मेरी एवरेज इसके अंदर $1 की ही बैठी हुई है, ठीक है, आपको दिखा चुका हूं मैं डिस्कॉर्ड के ऊपर ही। अब आपने क्या करना है, आपने इसकी रेंजेस मार्क करनी है। सबसे पहली रेंज ये होगी, बट इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट मुझे चार्ट्स के अंदर जो दिखती है वो ये वाला रीजन बन जाता है, लाइक 1.4 से लेके 1.3 तक। तो हम इस रीजन में भी थोड़ा सा इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लाइक ये रीजन देख रहे हो 1.33 का 1.4। तो ये अब आपने रेंजेस मार्क कर ली, हमने देखा कि यार इन तीन रेंजेस तक मोस्टली अगर बहुत वर्स्ट सिनेरियो में गिरा तो यहां तक आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, अपने पोर्टफोलियो का सब 10 से 30% अलग करेंगे, 10% से हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे, फिर गिरेगा 10% हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे, फिर गिरेगा 10% हम लोग $1 पे बाइंग करेंगे। इस तरह से हम लोग अपना एवरेज इस कॉइन के अंदर मेंटेन करेंगे। AI का सबसे लो कैप कॉइन है और इनकी बहुत बड़ी बड़ी एक्टिविटीज आ रही है, बाइनेंस तक ने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है वगैरह वगैरह। फिर RWA वगैरह के अंदर आप आ जाएं तो ओम कॉइन को आप लोग अपनी नजर के अंदर रखिएगा। ओम कॉइन इतना नहीं गिर रहा है, लेकिन ओम कॉइन अगर आपको मिल जाता है 1.3 या 1.17 के ऊपर, ऑल्ट कॉइन्स अगर क्रैश करते हैं तो आप इसको उठा लीजिएगा। सोलाना के इकोसिस्टम में दो प्रोजेक्ट्स हैं, रेंडर और आपके पास, एक तो रेंडर ही है। रेंडर थोड़ा सा बाउंस्ड है अभी, इसको हमने 4.7 पे बाई किया था, मेरी खुद की बाइंग परसेंटेज इसके ऊपर 4.97 की है। बट अगर सोलाना आप रेंडर आपको मिल जाता है, क्योंकि रेंडर ऑलरेडी GPU बेस्ड AI प्रोजेक्ट कॉइन है और ये सोलाना की इकोसिस्टम के ऊपर बेस करता है, तो मल्टी नैरेटिव के अंदर आता है। तो अगर आपको $4-5 तक पे भी मिल जाता है तो ये बेस्ट है। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट है IO, ठीक है, IO भी AI GPU बेस्ड प्रोजेक्ट है, लाइक अ रेंडर। ये रेंडर की तरह बाउंस दे सकता है और एक इसकी रैली आनी है जो कि बड़ी होगी इंशाल्लाह काफी। तो आप इसको 1.5 तक एक्यूमुलेट कर सकते हो। गेमिंग के अंदर आप बर्गर के ऊपर अपनी नजर रख सकते हो, थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा वो, बट अभी जो कॉइन्स है वो यही है जिनके अंदर हम पैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जल्दी आएगा और ये जल्दी रिकवर हो गए। तो इन कॉइन्स के ऊपर आप अपनी नजर रखिएगा। BTC की एक छोटी सी मैं आपको अगर अपडेट दे दूं तो सप्लाई जोन से ये रिजेक्ट हो रहा है। एक्यूमुलेशन जोन अगर हम बात करें 65,200 वाला रीजन होगा या तो फिर हमारे पास 63, इन रीजन के अंदर हम लोग ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अच्छी एक्यूमुलेशन जो है वो कर सकते हैं। BTC घिर रहा है, डोमिनेंस कंटिन्यूसली बाउंस कर रही है, दैट इज नॉट गुड साइन फॉर द ओवरऑल ऑल्ट कॉइन्स। और अगर आप देखेंगे तो ऑल्ट कॉइन्स में यहाँ पर खास मूव नहीं है, इवन नियर जैसे बड़े बड़े हाई कैप कॉइन्स, इवन अब तो ओम तक भी इफेक्ट होने लग गया जो कभी इतना इफेक्ट नहीं होता था। लिंक जैसे स्टेबल कॉइन, सोलाना जैसे कॉइन्स जो है यहाँ पर गिरना स्टार्ट हो गए। तो मार्केट के अंदर डेली ट्रेडिंग का अभी कोई फायदा नहीं है, कोशिश करो कि आप थोड़े से लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन की तरफ जाओ और अगर आपको क्रैश मिले तो आप इन कॉइन्स को उठा लेना, वरना हमने इनके अंदर बहुत नीचे से भी बाइंग की है। अब एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वो ये कि कूकॉइन के ऊपर अकाउंट बना लो, क्योंकि कूकॉइन के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर जो है वो कॉइन्स पंप कर रहे हैं। डिस्कॉर्ड में मार्केट अपडेट्स में मैंने कल इसका जो है वो लिंक दिया, जाकर अपने अकाउंट साइन अप कर लो। देखो डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पर कॉइन्स में ना मोमेंटम है, लाइक कोई 600% कर रहा है, कोई 50-40, तो इनमें हम पैसा बना सकते हैं। तो इसका सिग्नल मैं आपको यहीं पर दे दूंगा डिस्कॉर्ड में, तो ज्वाइन कर लेना इसको भी और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।